एजुकेशन हब इंदौर में छात्र राजनीति करने वाले छोटे नेताओं ने निजी कॉलेजों का विवाद लगातार सामने आ रहा है। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए एबीवीपी कार्यकर्ता जा भिड़े तिलक नगर थाना क्षेत्र के रेडियंट कॉलेज में। शुरुआती जानकारी के अनुसार मामला टीसी नहीं देने का सामने आया है। दरअसल इंदौर के थाना तिलक नगर के बख्तावर रामनगर स्थित कांग्रेस के नेता प्रेमचंद गुड्डू की बेटी एक कॉलेज संचालित करती है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं को कॉलेज के एक छात्र ने टीसी कॉलेज द्वारा नहीं दिए जाने की शिकायत की और टीम जा पहुंची रेडियंट कॉलेज और फिर किया जमकर धमाल। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में सारी सीमाएं लांघते हुए आए हुए मेहमानों के साथ भी बदतमीजी की और कई घंटों तक जमकर उत्पात मचाया। मामले में छात्र संघ की शिकायत पुलिस से की और छात्र संघ के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। हुए घटनाक्रम को लेकर आए हुए मेहमानों ने और कॉलेज प्रबंधन ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग के साथ साथ टीसी के मामले को रोकने से साफ इनकार किया है। अब पुलिस ये शिकायत के बाद सच्चाई का पता तो सिर्फ पुलिस ही लगा सकती है और इसी का इंतजार आगे रहेगा। इंदौर से दाऊद कुरैशी की रिपोर्ट। कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। मैं इस कॉलेज की जो ओनर है ये मेरी फ्रेंड है, तो मैं दिवाली मिलने इनके साथ आई थी। हम दोनों कैबिन में बैठ के चाय पी रहे थे और बातचीत कर रहे थे, तो अचानक से वो लड़के घुस के आ गए और उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी, हाथापाई शुरू कर दी, धक्का मुक्की शुरू कर दी और अभद्र भाषा बहुत गंदी तरह से वो लोग बात कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, भैया आपका परिचय क्या है, आप हमसे क्यों बदतमीजी कर रहे हैं? मैं समझ ही नहीं पाई कि वो क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हम एबीवीपी वाले हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, हम कॉलेज में किसी भी कॉलेज में घुस सकते हैं और आप ये करते हो बदतमीजी उन्होंने लगातार शुरू करी। तब कि मेरा इस कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, मैं यहाँ गेस्ट के तौर पे आई थी। ठीक है, आपका नाम बताओ। है ना, उनमें से कुछ एक दो तीन लड़कों ने तो बुरी तरह से ड्रिंक कर रखी थी, उनके मुँह से इतनी बदबू आ रही थी कि दूर से पता चल रहा था कि ये लोग पूरी तरह नशे में धुत हैं। और ये बिल्कुल गलत है सर कि आप किसी छात्र संगठन के नाम पे किसी महिला के साथ, किसी जाने पहचाने बिना किसी के साथ भी बदतमीजी शुरू कर दें। ये आपकी छात्र संगठन का नाजायज फायदा उठाना है। उनके पास किसी कॉलेज का कोई आईडी कार्ड नहीं था, उनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं था कि वो छात्र संगठन के लोग हैं, वो सिर्फ गुंडे थे। हिमानी सिंह मैम, आपके वहाँ विवाद हुआ है, क्या है मामला पूरा? सर विवाद ये ऐसा है कि पहले भी एबीवीपी वाले के लोग हैं वो आ चुके थे हमारे यहाँ, तब भी हमने इसको विवाद को एक्चुअली उस टाइम पे चुनाव चल रहे थे, हम लोग यहाँ अवेलेबल भी नहीं थे, हमारे स्टाफ के साथ, तब भी वो 15 दिन पहले बदतमीजी करके गए थे। आज फिर बच्चे आज आए हैं, वो बोल रहे कि टीसी दे दो बच्चे को, बच्चे आएगा टीसी देगा, आवेदन करेगा, हम टीसी दे देंगे, ये कोई बड़ी बात तो ही नहीं हमारे लिए। पर उन्होंने आगे यहाँ पे अननेसेसरी यहाँ पे विवाद करा कि आप लोग टीसी नहीं दे रहे, जिसमें बच्चा बोल चुके हैं जिन भी बच्चों को ने नाम लिए कि हमने इनको नहीं बुलाया, फिर भी वो उनके रेफरेंस से यहाँ आ जाते बार बार। हम लोग परेशान हो गए उनसे। क्या हुआ था आज आने के बाद में, क्या घटनाक्रम था? यही था, उन्होंने आते से धक्का मुक्की चालू कर दी, नारेबाजी चालू कर ली, एबीवीपी जिंदाबाद ये सब चीज़ें चालू कर दी अननेसेसरी। कम से कम 30-40-50 लोग थे, 50 से ऊपर, 100 से ऊपर। तोड़फोड़ वगैरह कुछ करी यहाँ पे ऑफिस में? हाँ, तोड़फोड़ करी हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी में, हमारी गाड़ियों की तोड़फोड़ करी और हमारे घनश्याम सिंह चौहान, सौरभ शर्मा और एक ने नाम नहीं बताया, प्रियांशु और एक वो लड़का और इनके साथ नहीं, मेरी फ्रेंड आई थी मैं से मिलने के लिए दिवाली पे, साथ बदतमीजी करी मेरे कैबिन में आके। उसके पहले जब आए उसके जी, आपके स्कूल का नाम क्या है? रेडियन इंस्टीट्यूट।